विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 1 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए, ए प्राप्त की गई चाल, तय की गई दूरी। तो यहां प्राप्त की गई चाल, तो यह हो जाएगा प्रारंभिक चाल। पहले उसका प्रारंभिक चाल देखेंगे, तो हमने पहले भी बता चुका हूं कि विरामावस्था से जहां से वो चलना प्रारंभ करती है वहां का दूरी क्या होता है, जीरो होता है। तो हम u बराबर क्या रखेंगे, जीरो। प्रारंभिक चाल यानी u बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब समय, समय इसमें पहले से दे रखा हुआ है 2 मिनट, तो यहाँ पे रखेंगे 2 मिनट। तो हमको ये सेकेंड में चाहिए, जब भी हम दूरी निकालते हैं तो किसमें निकालते हैं, सेकेंड में। तो अब इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 1 सेकेंड में, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको त्वरण देखते हैं कि त्वरण इसका कितना है, तो इसका त्वरण जो बल लग रहा है वह 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख चुका है कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इस प्राप्त की गई चाल निकालना है पहला सवाल, तो इसका हो जाएगा भी बराबर यू प्लस ए टी, तो यू का मान कितना आ गया, जीरो, ए का मान होता है 0.1 और t का मान आपका 120 यहाँ पे निकालने पर आया है, ठीक है, सेकेंड। तो आप इसको हल करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। अगर हम किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो संख्या उतना ही रहती है, तो इसमें जीरो जोड़ेंगे संख्या उतना ही रहेगी, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 0.1 स्थान पे लगता है, इसका 0.1 यहाँ लग जाएगा। जब यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड, ये पहला आंसर हो गया। अब तय की गई दूरी निकालेंगे, तो तय की गई दूरी बराबर s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा ut का मान हो जाएगा, u का मान 0, t का मान 120 सेकेंड, और वह यहां पे प्लस 1/2 दिया हुआ है, और a का मान 1.01 और t का मान जो है 120, तो 120 t स्क्वायर दिया है, तो 120 का स्क्वायर यानी 120 गुणते 120 हो जाएगा। अब इसको 2 से काट देंगे, तो 2 × 1 = 2 और 60 × 120 हो जाएगा। अब यहाँ 60 हो गया, 120 आपका बचा हुआ है, तो यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 120 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको उतार लेंगे 1.01 को यहाँ उतार लेंगे, जो 1 का मल्टीप्लाई करने पर बात वही रहेगी। अब ये 60 यहाँ उतर जाएगा और 120 जो है यहाँ उतर गया। अब इसकी जो है इसमें ऐड करने पर बात वही रहेगी, इसका जो है कि इसमें गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे तो 1 0 यहाँ से हट जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 1 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो 12 × 72 और 1 0 इसका ला देंगे, 1720 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, दूरी हो जाएगी।